नमस्कार दोस्तों, गेन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे ग्रहों के सफ़र में आज हम बात करेंगे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा और सातवां ग्रह यूरेनस या फिर अरुण के बारे में। यूरेनस को नेपच्यून का जुड़वा माना जाता है क्योंकि दोनों का गठन आमतौर पर बर्फ से हुआ है। यूरेनस के सतह का तापमात्रा करीब -224 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसकी वजह से इसको एक बर्फ का गोला भी माना जाता है। यूरेनस एकमात्र ग्रह है जिसका नाम ग्रीक माइथोलॉजी के लैटिन संस्करण के अनुसार आकाश के देवता ओरुनस पर रखा गया है। एक बर्फ का गोला माने जाने वाले यूरेनस के बारे में आज मैं ऐसे और भी कुछ मज़ेदार बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भविष्य में ऐसे और भी कुछ मज़ेदार बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरे ग्रहों के जैसा यूरेनस को भी नग्न आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन इसके मंदता और धीरे घूमने के कारण प्राचीन काल में इसे ग्रह के रूप में समझना नामुमकिन था। सन 1781 के मार्च 13 को सर विलियम हर्शल ने टेलीस्कोप के सहारे यूरेनस का आविष्कार किया और तब यूरेनस टेलीस्कोप के द्वारा ढूंढा गया सबसे पहला ग्रह बना। यूरेनस के गठन के बारे में बात करें तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे कि सतह और केंद्र। सतह पानी और एमोनिया जैसे कई अस्थिर तत्वों से बना हुआ है, जबकि केंद्र का भाग पत्थर जैसा कठिन पदार्थों से बना हुआ है। सतह करीब -224 डिग्री का बताया जाता है और इसी के वजह से यूरेनस को सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। यूरेनस का मास पृथ्वी के मुकाबले 14 गुना ज्यादा है और सतह की चौड़ाई करीब 91,118 किलोमीटर बताया जाता है। यूरेनस का वातावरण बहुत ही ज़्यादा अस्थिर माना जाता है। इसका कारण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसे गैसों का उपस्थिति यूरेनस के वातावरण में होने के वजह से है। इसके चलते वातावरण के ऊपरी हिस्से में एक हल्का सा बादल भी दिखाई देता है। दोस्तों, यूरेनस केवल दो ही मौसम दिखाई देता है, एक ग्रीष्म और दूसरा शीत। यहाँ की गर्मी करीब 42 सालों की होती है। इन कारणों के वजह से यूरेनस में आम जिंदगी का बसना नामुमकिन है। यूरेनस और वेनस दूसरे ग्रहों के मुकाबले उल्टे और सूरज का चक्कर काटता है। अपने एक्सिस में घूमने के लिए यूरेनस को 17 घंटे और 14 मिनटों का समय लग जाता है। जहां सूरज का एक चक्कर काटने में पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है, वहीं यूरेनस को करीब पृथ्वी के समय रूप 84 सालों का समय लग जाता है। यूरेनस की दूरी सूरज से करीब 2.8 बिलियन किलोमीटर बताया जाता है। अगर इसके आयतन के बारे में बात करें तो दोस्तों, आप इतना समझ लीजिए कि पृथ्वी के जैसा करीब 63 संख्या के ग्रह इसमें समा जा सकते हैं। यूरेनस के चारों ओर करीब दो रिंग जैसा आकार देखा जा सकता है, जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से बने हुए हैं। ये ज़्यादातर टुकड़े यूरेनस के चंद्रमाओं के टूटने से बना हुआ है। आज तक जितने बड़े आविष्कार यूरेनस के बारे में पता लग पाया है, वो ज़्यादातर 1986 में नासा के द्वारा भेजा गया वेगर 2 अंतरिक्ष यान से पता लग पाया है। वेगर 2 एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो अभी तक यूरेनस और नेपच्यून के करीब पहुंच पाया है। यूरेनस के चंद्रमाओं के बारे में बात करें तो दोस्तों, 2003 तक करीब 27 चंद्रमाओं के बारे में पता लग पाया है। इनमें से ओबेरन, टाइटेनिया, मिरांडा, एरियल और उम्रे जैसे पांच को मुख्य रूप में माना जाता है। यूरेनस के ज़्यादातर चंद्रमा कठिन पत्थरों से बने हुए हैं, जिनमें से करीब सभी का नाम अलेक्जेंडर पोप और विलियम शेक्सपियर के द्वारा बनाए गए किरदारों पर आधारित है। सौरमंडल के इस सातवें ग्रहों से जुड़े और भी कई मज़ेदार बातें आपको हैरान कर सकती है। तो दोस्तों, आज इतना ही। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, वो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और ऐसे कई मज़ेदार टॉपिक का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके दे सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।